मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, फाइनली मैं अभी 11:30 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ और लोगों को मालूम ही होगा कि 18 नवंबर से यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चालू हो गया था और अभी ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए, तो ये चलेगा टिल दिसंबर 18 तक, यानी एक महीना लगभग। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बाद छुट्टी मिला और आ जा रहा हूँ मैं बाहर। तो चलिए आज आप लोगों को मैं दिखा, तो जो भी फैन जोन होता है जहाँ पे भी मैं जा पाऊँगा, आप लोगों को आज सब इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बने रहे मेरे साथ में, निकलते हैं अभी बाय। तो गाइस, फाइनली मैं अपने होटल में पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, और ये देखिए। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ से खाना वगैरह खाया, अब निकलते हैं बाहर के लिए, यानी सिटी सेंटर के लिए जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं होटल का, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि एक और ग्रुप का है और होटल का नाम है रिक्सोस, जो कि तुर्किश ब्रांड है। तो ऐसा कुछ है, और रिसेंट अभी कुछ टाइम पहले होटल ओपनिंग हुआ हमारा। देखिए आप, देखिए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है होटल का। और अभी हमारे होटल में सर्बिया की टीम रुकी हुई है, तो आज उनका मैच है यहाँ पे। तो देखिए, फिर से मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, वहाँ पे थोड़ा काम है। देखिए सारे कंट्री के जो फ्लैग्स हैं लगाए हुए हैं फीफा के लिए। तो गाइज, ये है सिटी सेंटर, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके इतने बड़े बड़े जो पोस्टर हैं लगाए गए हैं चारों तरफ। और मैं ज़्यादातर इनमें से किसी को, मतलब इतना, क्योंकि मेरे को फुटबॉल में अभी अभी इंटरेस्ट आ रहा है तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को सामने पे नेमर जूनियर का जो पोस्टर है वो दिखाई दिया। सामने वाला नेमर जूनियर है, तो ये ब्राज़ील के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि कतर में हर जगह आजकल फुटबॉल वगैरह, मतलब हर किसी चौराहे पे आपको मिल जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे एक बड़ा सा मेरे को दिखा फुटबॉल, जिसपे कि हर एक कंट्री के फ्लैग्स वगैरह लगाए गए हैं। और ऐसे आपको हर जगह पे यहाँ पे कतर में कुछ ना कुछ, कहीं पे फीफा की ट्रॉफी और कहीं पे इतने बड़े बड़े फुटबॉल आपको दिखाई देंगे। और हर एक जगह पे आपको रेस्टोरेंट और जो फीफा के वॉलेंटियर होते हैं हेल्प करने के लिए, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, तो आपको टोटली आपको वो लोग आपको बहुत ही अच्छी हेल्प करेंगे। तो उस चीज़ के मामले में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को एक नहीं, दो दो तीन तीन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि, मतलब अगर आप किसी से इंक्वायरी कुछ करते हैं तो तीन तीन वॉलेंटियर आपको आके यानी बताते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये है सिटी सेंटर, और यहाँ पर भी आजकल काफ़ी क्राउड है। तो गाइज़, ये है, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं फीफा के लिए। अगर आप कतर में हैं तो कतर में ये प्लेस है सिटी सेंटर एरिया, तो ये जस्ट सिटी सेंटर के वहीं पे है। तो यहाँ से आप फीफा के लिए टिकट ले सकते हैं अगर आप फ्री हैं। तो ये मेट्रो, तो मेट्रो का रास्ता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये है कॉनिस की रोड, और आप देख सकते हैं कि जो गोवा सिटी सेंटर कॉनिस है वो एरिया पूरा बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए आप एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी।
तो यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ फैन जोन के लिए रखा गया है ताकि यहाँ पे जो भी फैंस वगैरह जिस भी कंट्री के आएँ तो फ्रीडम चल सके। तो ये स्पेशल जगह है, देखिए कॉनिक्स एरिया। तो ये यहाँ का हाईवे था लेकिन ये पूरा बंद कर दिया गया है, तो आप देखिए। और यहाँ से अब कॉनिक्स स्टार्ट हो गया है। तो फाइनल गाइज मैं पहुँच चुका हूँ कॉनिक्स में, और आप देखिए कि आजकल यहाँ पे पूरा फीफा के लिए पूरे फैंस वगैरह यहाँ पे आए हैं, और इस तरह से कुछ कॉनिक्स आजकल दिख रहा है। ये देखिए हर जगह यहाँ पे फीफा के लोगो वगैरह हो या कोई भी। तो ये सामने है यहाँ से सिटी सेंटर जहाँ से मैं अभी जस्ट आया था, और बाकी आप देख सकते हैं। और वो सामने देख रहे होंगे वो है यहाँ पे क्रूज, उस क्रूज को यहाँ पे लाया गया है, और उसकी कैपेसिटी जो है उसमें 8000 पीपल बैठ सकते हैं, यानी रह सकते हैं आराम से। तो कतर ने यहाँ पे स्पेशल फीफा के लिए वो वाला क्रूज मंगवाया है, तो आप सामने पे देख सकते हैं। तो देखिए आजकल कुछ ऐसा है यहाँ पे माहौल, वाह। अगर आप कॉनिस पे आते हैं तो आपको छोटे छोटे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे खाने पीने की जो भी सुविधा है कतर गवर्नमेंट ने सब की है। देखिए छोटे छोटे ट्रक टाइप के, देखिए पूरा किस तरह से यहाँ पे कॉनिस को एकदम लाइटिंग किया गया है। अगर रात को ये लाइट जलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। देखिए आप बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है यहाँ पे फीफा के लिए स्पेशली फोचरगाल। फैंस हैं उनके लिए ऐसा कुछ बनाया गया है, आप आराम से यहाँ पे खाना वगैरह रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए मतलब झूले वगैरह लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि सुकवाकी में कितनी पब्लिक है आगे। तो आगे मैं जाऊँगा, उससे पहले थोड़ा यहाँ पे झूले में बैठ के थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं बैठ के। ये फैन जोन है सुकवाकिब में, देखिए इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं।
फाइनली गाइस अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट होगी और ये मेरी बस भी आ चुकी है तो इसमें बैठ के अभी चलना। फाइनली गाइस मैं अभी रूम पे पहुंच चुका हूँ। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, 8:30 के लगभग मैं आ गया था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और खाना वगैरह खा के अभी सोने की तैयारी है। तो जैसे कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि फुल इंजॉयमेंट हुआ है। थोड़ा मैं बाहर काफ़ी दिनों से गया था कि आज ब्राज़ील का मैच था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ैन आए हुए थे, तो जगह जगह फ़ैन जोन लगा हुआ है और वहाँ पे सब इंटरटेनमेंट है, यानी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हर फैसिलिटी है। जगह जगह कॉर्निस एरिया में स्क्रीन लगाई गई है। तो मैं थोड़ा वहाँ पे, मैंने जैसे कि आपने देखा भी होगा कि मैंने वहाँ पे सर्बिया का और एक और कंट्री थी उसका मैच भी देखा, तो उसमें उसमें दोनों टीम का बराबर हो गया। तो अभी मैं जस्ट ब्राज़ील का मैच भी देखा तो ब्राज़ील 1-0 से जीत गया है। आपको बता दूं कि मैं जहाँ पे गया था सुकवाकी में और कॉनिस में, वहाँ पे तो इतनी पब्लिक थी बाप, क्योंकि आज पोर्चुगल का मैच और यहाँ पे है 974 में ब्राज़ील का मैच। आज के दिन बहुत बड़े बड़े दो मैच थे, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर, तो जो कि फीफा के दोनों बड़े स्टार हैं, फुटबॉल के दोनों बड़े स्टार हैं। तो इस वजह से आज पब्लिक काफ़ी ज़्यादा बाहर दिख रही थी। और जैसे कि मैं मिला भी हूँ काफ़ी ज़्यादा, यानी ब्राज़ील के फ़ैन से मैं मिला और अर्जेंटीना के फ़ैन से मिला, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आज के ब्लॉग में कि सुकवाकी में किस तरह से वो लोग, क्या जोश और जुनून था वो लोगों के साथ में। तो उनके साथ में रह के मेरे को भी लग रहा था कि जैसे कि मैं क्रिकेट को, जैसे हम लोग इंडिया में क्रिकेट के लिए जुनून होता है, वैसे ही वो लोग ब्राज़ीलियन लोग हो गए, बहुत सारे लोग जो बाहर के होते हैं उनका क्या है फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा जुनून है, स्पेशली इन ब्राज़ील हो गया और अर्जेंटीना हो गया, क्योंकि मेसी रोनाल्डो और इनके बहुत ज़्यादा, तो इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं वहाँ के। और कतर में आपको सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के फ़ैन मिलेंगे हर जगह आपको। आज जैसे ब्राज़ील का मैच था तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। तो दोस्तों आज का इस ब्लॉग यहीं पर फिनिश करते हैं गाइस।
तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। और स्टेडियम के अंदर तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे टिकट्स जो है सोल आउट हो गए हैं, और जो बचे भी होंगे वो इतने महंगे टिकट है कि हम लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय कतर।